30 जून और 1 जुलाई के दरमियानी रात को तिबड़ी रोड पर स्थित छुट्टी आ रहे फौजी नौजवान की हत्या पर दुख जताते हुए आज गुरदासपुर में कई सिख जत्थेबंदियों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुख व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने इस घटना को गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बेअदबी का रूप देने की कोशिश को लेकर भी फटकार लगाई गई और कहा यहां पुलिस ने दोषियों को सजा दी है, वहीं सिख जत्थेबंदियों की ओर से जानबूझकर बेअदबी की रंगत देने जा रहे दोषियों के खिलाफ अब खुद कार्रवाई अमल में लाएंगे। पिछले दिन 30 जून से 1 जुलाई की रात को गुरदासपुर स्थित गुरुद्वारा बाबा लाल सिंह कुली विखे एक घटना वापरी जिस दे विच दीपक सिंह नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद विच हॉस्पिटल जाके उस सारे मसले की तहकीकात करके उस सारे मसले की जिहड़ी जांच करन तो बाद पंथक जथेबंदियों के नुमाइंदियां वल्लों जिन्हां दे विच भाई नारायण सिंह जी चौड़ा अकाल फैडरेशन तो सरदार परमजीत सिंह जी टांडा दल खालसा के जनरल सकत्तर ने, सरदार सतनाम सिंह जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर मान दल उन्हां तो, परमजीत सिंह मंड सिख जी उतों पंजाब तो, और जसविंदर सिंह जी कानू मंड जो कि इलाके के कथावाचक ने वो सो उन्हां दी एक जांच टीम बनवाई गई सी। ये जांच टीम जिहड़ी आ अलग अलग पंथक जथेबंदियों के नाल सांझ करन तो बाद बनाई गई। उन्होंने इस इलाके के इन्हों लोगों की जिम्मेवारी लाई सी कि सच नूं सामने लिया। सो उस जिहड़ी असीं सच नूं सामने लिया दी जिहड़ी कोशिश इस रिपोर्ट दे की आ, रिपोर्ट असीं अज इत्थे जारी की आ और उस रिपोर्ट के असीं इस नतीजे के उत्ते पहुंचे हाँ कि जिहड़ा मृतक दीपक सिंह के उत्ते दोष लग रहा कि वह बेअदबी करन दे लई गुरद्वारा साहब आया सी बिल्कुल झूठा आ। वो एक राही दे तौर दे उत्ते रेत देर रात जिहड़ा गुरद्वारा साहब पहुंचा सीगा उत्ते शरण लैण दे लई बेअदबी करन दे लई जिहड़ा आ गुरद्वारा साहब नहीं सी पहुंचा। इस दे नाल ही दूसरी गल भी असीं ये भी साफ कर देना चाहुंदे आ कि जिन्हां ने उसकी कुटमार की आ उन्हां दी मनशा भी दीपक नूं जानों मारन दी नहीं सी, क्योंकि हर रोज़ पंजाब दे विच ते पंजाब तो बाहर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दीआं घटनावां वधदीआं जा रहीआं सी। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस जां स्थानक प्रशासन न्याय देण दे विच फेल होया सीगा, जिहड़े बेअदबी करदे सी उहनां नूं सजावां नहीं सी मिल रहीआं। इस करके संगत दे विच गुस्सा भी आ जिहड़ा कि एक नैचुरल फिनोमिना आ और उस गुस्से दे विचों ही वह कुटमार निकली सी जिहड़ी शक दे आधार दे उत्ते दीपक सिंह दी कुटमार कीती गई कि वह गुरद्वारा साहिब बेअदबी करन दे लई पहुंचा। सो दो गल्लां जिहड़ियां साफ ने कि एक बेअदबी करन नहीं सी आया, दूसरी नाल दे नाल इह वी कि जिन्हां ने उसकी कुटमार की उन्हां दी मनशा उस नूं जानों मारन दी नहीं सी, सट्ट कु थां वज्जण दे कारण जिहड़ी आ उसकी हॉस्पिटल जांदिआं बाद विच डैथ हो गई। पर इस दे विच मुख जिम्मेवार जो असीं समझदे हां जिहड़ा कि इस दे बैक स्टेज रहि जांदा इस सारे दे विच वो पंजाब सरकार ते पुलिस प्रशासन आ जिन्हां ने पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बेअदबियां नूं ठल नहीं पाई। सो उस रिपोर्ट नूं जिहड़ा अज असीं इत्थे जारी कीता आ और इस रिपोर्ट दे जिहड़े मोटे तत्थ ने उह मैं तुहानूं दस्सिआ, इह तिन्न जिहड़े सामणे आए आ। सो इस दे इलावा जिहड़ा आ उह असीं क्योंकि वह बंदा जिहड़ा निर्दोष मारिआ गिआ इस करके असीं खालसा पंथ वल्लों उस दे परिवार दे कोलों खिमा जाचना भी मंगदे और उन्होंने नाल दुख की घड़ी उन्होंने दे नाल भी खड़े और असीं समाज ने अपील करते हैं कि जिहड़ा इसनूं कम्यूनल रंग दिता जा रहा है चाहे वह सिख संस्थावां वल्लों कुछ जां चाहे हिंदू संस्थावां वल्लों उसनूं बंद करना चाहीदा है। जिहड़ी बेअदबी करन दी कोशिश कीती जा दिखाई नहीं है उन्हां उप्पर की कार्रवाई दी मांग करोगे? बिल्कुल, जिहड़ी बेअदबी कीती है मैं भाई नारायण सिंह होणां नूं कहांगा संखेप दे विच तुहानूं दस्सांगा कि उत्थे जिहड़े मौजूदा हालात सीगे उह की सी और उन्हां दे उत्ते की बणदी कार्रवाई जिहड़ी आ उह होणी चाहीदी है। सो भाई नारायण सिंह नूं मैं बेनती करांगा कि जरूर तुहानूं इस वारी संखेप दे विच जिहड़ी गल दस्सी। कमेटी वल्लों जांच रिपोर्ट दे विच इह तत्थ स्पष्ट कीता गया कि ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੇ।